के लिए भूपेंद्र, वहीं दूसरी तरफ कवर्धा से भी संजू गुप्ता हमारे समाचार जुड़ गए। जी संजू, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और भक्तों की भीड़ शिव मंदिर में किस तरीके से देखी जा रही है? मंदिर में मौजूद हूँ, जो छत्तीसगढ़ की खुदराओं के नाम यहाँ पे गर्व दिन भगवान शिव की ट्रेनिंग है। यहाँ जो भक्त है जो सवेरे 4 बजे से लेकर यहाँ पे भगवान शिव की आराधना के लिए यहाँ पे बोले, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी भीड़ लगी हुई है, सतारे भी लगी हुई है और यहाँ पे जो लोग हैं भक्त यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व पर जो भगवान शिव के आराध्य माने जाते हैं, आज उनका पूरी रात्रि और दिन में पूरा विशेष पूजा होता है। दूध बेल पत्र और गंगा जल पंच में और इनके साथ इनका देवता अभिषेक भी हो रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ जो भक्त है यहाँ पे बड़ी पूजा की मनोकामना पूर्ण करने की सुबह से ही भक्त यहाँ पे आए हुए हैं और लोगों के लोग जो है यहाँ पे भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि गोरमदीप मंदिर जो है ये 11वीं शताब्दी की मंदिर है जो खुजराओ के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर जो है जो जिले के साथ साथ अन्य प्रदेशों और विदेशी भी लोग हैं यहाँ पे पहुँचते हैं। हमारे संस्कृत लोग भी हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये आज किस तरह से आए हुए हैं और क्या मांगे हैं, किस तरह की इनकी पूजा है। आप लोग पीछे देख सकते हैं भगवान की यहाँ पे बजरंग बली की मंदिर है और यहाँ की है ऐसा कुछ श्रद्धालु भी है। कुछ आप कहाँ से आए, क्या है, कहाँ से आए हैं आप? आए थे आज भगवान शिव जी का महाशिवरात्रि पर्व, किस तरह का उत्साह है, किस तरह की पूजा है? बनता है, आ रहे हैं जा रहे हैं, पता भी चल रहा है और आज का दिन तो बहुत खास है भगवान जी। हाँ जी, आज का दिन बहुत शुभ। हमारे साथ कुछ और भक्त हैं, उनसे पूछने कोशिश करते हैं आज महाशिवरात्रि का पर्व क्या है, कैसा है, कैसी क्या उत्साह है आपके लिए? बहुत अच्छा उत्साह है, यहाँ पे बहुत भीड़ लग रही है, हमेशा लगता रहता है। गोरमदेव खजुराहो जो है ना बहुत प्यारी सब्जी का मंदिर है और बहुत दर भीड़ होता है और अच्छा भी हो रहा है और यहाँ के लोगों भी आज आज तक महाशिवरात्रि पर्व लोगों की भीड़ यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे जो मंदिर है मंदिर पे जो है लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन ढलते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे और कुछ जो भक्त आए हुए हैं हम उनसे बात करने की कोशिश कर, आप कहाँ से आए हैं और कैसा उत्साह है आपको? बहुत अच्छा उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है। भोरन दर्शन के द्वारा सब एक वर्ष जो है फल मिल जाता है के द्वारा और असीम शांति की प्राप्ति है। लोगों को कहना है कि पूजा करने के बाद लोग असीम शांति की जब प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मंदिर की स्थिति, जहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे जो मंदिर है जो है जो लोग है भक्त है जो पूजा आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और इसके अलावा वहाँ मौजूद पुजारी से बातचीत हो पाएगी आपकी के आज के दिन के महत्व को लेकर के और आज के दिन विशेष कौन कौन सी पूजा शुभ मुहूर्त के हिसाब से की जा सके, सही प्राप्ति हो? जी मैं आपको बता दूँ की यहाँ पे जो मंदिर है जो भीड़ लगने वाले जो मंदिर के पुजारी के अंदर है महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे लगातार भक्तों के द्वारा रुद्राभिषेक किया जा रहा है, पूजा आराधना की जा रही है। यहाँ पे जो मंदिर पे आज अपने मनोकामना पूर्ण के लिए जो भक्तजन है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि गोरमदेव मंदिर में एक विशेष महत्व है। यहाँ पे जो शिव जी का मंदिर है जो निसंतान होते हैं जो संपत्ति होते हैं वो यहाँ पे भगवान शिव जी के मंदिर में पूजा आराधना करने के बाद यहाँ पर उनको संतान प्राप्त होती है। इसके कई उदाहरण यहाँ पे हैं, जहाँ पे जिनकी संतान नहीं हुई है वो यहाँ पे भगवान शिव की पूजा करने के बाद उनको संतान प्राप्त हुई है। भगवान जो यहाँ पे गोरमदेव मंदिर है यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, हम श्रद्धालु से बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? कदरी और आज महाशिवरात्रि पर्व है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बोले काम यहाँ पे मंदिर जो लगातार यहाँ पे मंदिरों पे आते जाते हैं भगवान शिव की पूजा आराधना करते हुए कर रहे हैं और यहाँ पे अपने मनोकामना की प्राप्ति के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आज महाशिवरात्रि है जो वो हिंदू धर्म के लिए विशेष पर्व किसी तरह है। आज भगवान शिव के आराध्य है जो आज इनके दिन भर यहाँ पे पूजा अर्चना होती रहेगी। इस जिले के सिर्फ गोरमदेव मंदिर नहीं, जो जिले के जितने भी ग्रामीण और शहरी शिक्षण मंदिर वहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही लोग वहाँ पे पूजा के लिए पहुंचे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों के अलग अलग जिलों से जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, शिव मंदिर, वहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कबरधर से भी हमने जाना कि वहाँ किस तरीके से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।